Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. यूक्रेन के शहर बूचा पर रूसी हमले की मजम्मत करते हैं। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि यूक्रेन के अवाम की हिमायत के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। खौफनाक हमलों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कठेरे में लाया जाएगा। कनेडियन सूबे ओंटेरियो में कोरोना वायरस दोबारा फैलने लगा। कोरोना वायरस से मजीद 10 हलाकतें रिपोर्ट। माहरीन का शहरियों को वैक्सीन की तीसरी और चौथी खुराक लेने का मशवरा। इस बजट में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक भी कुछ देखने को मिलेगा। कनेडियन वजीर माहौलियात का कहना है कि कार्बन टैक्स के निफास के लिए ताखीर नहीं कर सकते। मौसमियाती तब्दीलियों का खतरा कम नहीं हुआ है। अमरीकी तारीख में पहली बार न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर नमाज तरावी की अदायगी। मुंतजमीन का कहना है कि लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इस्लाम एक पुरमन मजहब है। इस्लाम के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है। अमरीकी शहर सैक्रामेंटो में फायरिंग से 6 अफराद हलाक, 9 जख्मी। पुलिस चीफ का कहना है कि कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक फौरी तौर पर फायरिंग की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज, अमेरिका का मजीद इकदाम कर दिया। खारकीफ में रूसी फौज के हमले में 7 अफराद हलाक, 34 जख्मी। रूस का कहना है कि जल्द यूक्रेन में फौजी मकासद हासिल कर लेंगे। श्रीलंका में कर्फ्यू के बावजूद शहरियों का मुआशी बहरान के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की जानिब से शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कई मुकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार आमने सामने आ गए। अफगानिस्तान में पोस्त की काश्त और मंशियात की स्मगलिंग पर पाबंदी। फरमान की खिलाफ वर्जी करने वाले को अदालती एजा के हवाले किया जाएगा। नायब वजीर बरा इंसदाद मंशियात ने कहा, बुराई के खात्मे और मंशियात के आदि अफराद को रोकने के लिए पोस्त के खात्मे को तरजीह देते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड With Allstate. कैनेडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर राब्ता कीजिए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और दीगर आलमी रहनुमाओं ने यूक्रेन के कस्बे बूचा पर रूस के हालिया हमले की मजम्मत की, जहां मुबैना तौर पर 300 शहरी मारे गए थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और दीगर आलमी रहनुमाओं ने इतवार के रोज यूक्रेन के कस्बे बूचा पर रूस के हालिया हमले की मजम्मत की, जहां मुबैना तौर पर 300 शहरी मारे गए थे। एसोसिएटेड प्रेस ने इत्तला दी है कि यूक्रेनी फौजियों को कीव के शुमाल मगरब में वाकया एक छोटे से शहर बूचा में वहशियाना लाशें मिली हैं, जब रूसी फौजी वहां से निकल गए और दूसरी जगहों पर हमले शुरू कर दिए। रूस ने इतवार को मिसाइल हमलों में ओडिशा में ईंधन की सप्लाई और माइकोलाइव शहर के करीब गोला बारूद की सप्लाई को निशाना बनाया। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एक ट्वीट में कहा, हम यूक्रेन में शहरियों के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हैं। रूसी हुकूमत को जवाबदेह ठहराने के लिए पुरअज़म है और यूक्रेन के अवाम की हिमायत के लिए
हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इन खौफनाक हमलों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। यूक्रेन ने यह भी कहा कि उन्हें रूस के मुमकिन जंगी जराइम की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर कीव के करीब कस्बों में 410 लाशें मिली हैं। कुछ गवाह इतने सदमे का शिकार थे कि वो बोलने से कासिर हैं। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। नई अमवात में से 8 पिछले महीने में हुई, जबकि 2 को डेटा क्लीनअप की वजह से सूबाई तादाद में शामिल किया गया। कोरोना वायरस के नतीजे में मरने वाले ओंटेरियन बाशिंदों की कुल तादाद अब 12,470 है। वेबसाइट की देखभाल की वजह से इब्तदाई ताखीर के बाद सूबाई हुकाम कोविड-19 की वजह से 763 अस्पतालों में दाखिल होने की इत्तला दे रहे हैं। ताहम तमाम अस्पताल हफ्ते के आखिर में अपने डेटा की इत्तला नहीं देते हैं। पिछले हफ्ते के दौरान अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत वाले नए केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। इतवार की कुल तादाद पिछले हफ्ते के मुकाबले 27% ज़ायद है। माहरीन का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि वैक्सीनेशन की नई हिकमत अमली का मकसद तीसरी खुराक लेने, बच्चों के लिए शॉट्स और चौथी खुराक की वसीतर तैयारी को बढ़ाना है। सूबे के 91% 12 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराकें हासिल की हैं, सिर्फ 60% ने 3 खुराक हासिल की हैं। कनाडा के माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर का कहना है कि हम बजट में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मजीद अनासर देख सकते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा के माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर स्टीवन गिलबॉफ का कहना है कि हम बजट में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मजीद अनासर देख सकते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये कहना अच्छा है कि मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के लिए नए प्रोग्राम बजट में हो सकते हैं। मैं वजीर खजाना नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि बजट में क्या होगा, लेकिन ये मुमकिन है कि बजट में नए अनासिर का ऐलान किया जाए। इस हफ्ते के आगाज में वफाकी हुकूमत ने कार्बन के अखराज में कमी के नए मंसूबे का ऐलान किया, जिसमें मौसमियाती प्रोग्रामों के लिए नए अखराजात में 9.1 बिलियन डॉलर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मौसमियाती इकदामात के लिए मजीद रकम मुख्तस करना वजीर खजाना के साथ यकीनी तौर पर ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम सूबों, इलाकों, मकामी क़यादत जाहिर है कि कंपनियों और दीगर स्टेक होल्डर से मशावरत के अमल में है। जब 2018 में विफाकी कार्बन टैक्स बनाया गया था तो विफाक ने कहा था कि ये प्रोग्राम रेवेन्यू न्यूट्रल होगा, क्योंकि टैक्स पर लागत का बोझ ज्यादातर कैनेडियंस के लिए टैक्स तरगीबात से ज्यादा हो जाएगा। उन्होंने BC में सैलाब और जंगल की आग का हवाला देते हुए कार्बन टैक्स में मजीद इजाफे के लिए किसी ताखिर को नाफिज करने से भी इनकार कर दिया, जो मौसमियाती बहरान की संगीनी को वाज़ेह करता है। रमज़ान के मुकद्दस महीने के आगाज पर अमरीका की तारीख में पहली बार सैकड़ों मुसलमानों ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नमाज तरावी अदा की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल रमज़ान के मुकद्दस महीने के आगाज पर अमरीका की तारीख में पहली बार सैकड़ों मुसलमानों ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नमाज तरावी अदा की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान मुबारक के आगाज पर तारीख में पहली बार मुसलमानों ने अमरीका के इस मशहूर मुकाम टाइम्स स्क्वायर पर बाजमात नमाज तरावी अदा की है। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर नमाज तरावी का अहतमाम करवाने वाले मुंतजमीन ने मकामी मीडिया को बताया कि अमरीका में रहने वाले मुसलमान न्यूयॉर्क शहर के में वाकया इस अलामती मकाम पर रमजान इसलिए मनाना चाहते हैं ताकि दूसरों को ये दिखा सकें कि इस्लाम एक पुरअमन मजहब है। मुंतजमीन का कहना था कि इस्लाम के बारे में बहुत बड़ी गलत फहमी पाई जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपने मजहब की वजाहत उन तमाम लोगों को करना चाहते हैं जो नहीं जानते कि इस्लाम अमन का मजहब है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के दारुलहुकूमत सैक्रामेंटो में फायरिंग से 6 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के दारुलहुकूमत सैक्रामेंटो में फायरिंग से 6 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब होने वाली इस फायरिंग के दौरान लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके वहाँ के मुतादिद ब्लॉकों को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। पुलिस चीफ का कहना है कि कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक फौरी तौर पर फायरिंग की वजूहात मालूम ना हो सकी, तहम वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई है।
यूक्रेन के दारुलहुकूमत कीव से पीछे हटने के बाद रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज़ कर दिए। अमरीका ने रूस के खिलाफ मजीद इकदाम का इंदिया दे दिया। रूस ने जंगी जराइम के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के दारुलहुकूमत कीव से पीछे हटने के बाद रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज कर दिए। अमरीका ने रूस के खिलाफ मजीद इकदाम का इंदिया दे दिया। रूस ने जंगी जराइम के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। रूस ने यूक्रेन जंग में हिकमत अमली तब्दील कर ली। दारुलहुकूमत कीव के शुमाल में यूक्रेनी फोर्सेस की पोजीशंस पर ग्राड मिसाइल से हमले किए, जिनमें इन्फेंट्री और आर्टिलरी को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब रूसी फोर्सेस के कीव समेत ज्यादातर इलाकों से पीछे हटने के बाद तबाही के मनाजिर सामने आए हैं। सैकड़ों शहरियों की लाशें बरामद होने के बाद यूक्रेनी सदर ने रूस के खिलाफ नस्ल कुशी का इल्जाम लगा दिया, जबकि मास्को ने इन इल्जाम को प्रोपेगेंडा करार दिया है। रूस की जानिब से यूक्रेन के शहर मिकोलाइव में भी मुतअद्दिद मिसाइल हमले किए गए हैं। बहीरा अस्वद के करीब यूक्रेनी साहिली शहर ओडिशा में फौजी अड्डे पर हमले में 18 अफराद हलाक हो गए। रूस का कहना है कि मास्को यूक्रेन में अपने मिलिट्री ऑपरेशन के तमाम मकासद हासिल कर लेगा। इस हवाले से तर्जुमान क्रेमलिन का कहना था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान बिलआखिर अमन मुआहदे पर दस्तखत होने की उम्मीद है और अमरीका चाहे या ना चाहे, जल्द या देर यूरोप को भी रूस से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। यूक्रेन के शहर खारकीव में रूसी फौज के हमले में 7 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के कस्बे बूचा में इज्तिमाई कब्र से 57 अफराद की लाशें मिली हैं। यूक्रेनी फौज ने हाल ही में रूसी फौज से यहां का कब्जा छुड़ाया है। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने मुतनबे किया है कि रूस की दारुलहुकूमत कीव से पसपाई हकीकी नहीं, यूक्रेन पर हमले जारी रहेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान रूसी वजारत दिफा का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद रूस के खिलाई और फिजाई यूनिट ने अब तक यूक्रेन के 125 तैयारे, 88 हेलीकॉप्टर और 383 ड्रोन मार गिराए हैं। उधर रूस और यूक्रेन में अमन के लिए मुजाकरात जारी हैं, ताहम अब तक कोई बड़ी पेशरफ सामने न आ सकी। श्रीलंका में कर्फ्यू के बावजूद सैकड़ों शहरी मुआशी बहरान पर एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। श्रीलंका में कर्फ्यू के बावजूद सैकड़ों शहरी मुआशी बहरान पर एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए। कई मुकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार आमने सामने आ गए। मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शैलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। नाकिदीन के मुताबिक श्रीलंका इस वक्त बदतरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है, जिसकी वजह साबिक हुकूमतों की जानिब से मुआशी बद इंतजामी और बढ़ता हुआ बजट शॉर्टफॉल है। अफगानिस्तान में तालिबान रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें तालिबान रहनुमा ने कहा कि अफगानिस्तान में पोस्त की काश्त और मंशियात की स्मगलिंग अब से रोक दी जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में तालिबान रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें तालिबान रहनुमा ने कहा है कि अफगानिस्तान में पोस्त की काश्त और मंशियात की स्मगलिंग अब से रोक दी जाएगी। मुल्ला हैबतुल्ला के इस फरमान का ऐलान नायब वजीर आजम मौला अब्दुस्सलाम हनफी और तालिबान जबीउल्लाह मुजाहिद के तर्जुमान ने किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अफ्यून पोस्त का दुनिया का सबसे बड़ा पैदावारी और बरामद कुनंदा है। नायब वजीर आजम मौला अब्दुस्सलाम हनफी का कहना था कि जब हमला आवर की जानिब से अफगानिस्तान पर हमला किया गया, तब दुनिया की तकरीबन 95% मंशियात अफगानिस्तान से बरामद की जाती थी। तर्जुमान इस्लामी अमार जबीउल्लाह मुजाहिद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में शराब, हेरोइन, शीशा, गोलियां, हशीश और दीगर तमाम मुंशियात जैसे हर किस्म के मुंशियात के इस्तेमाल, नकल व हमल, फरोख, तिजारत, दरामद और बरामद पर भी पाबंदी है और इस फरमान के खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शख्स को अदालती आजा के हवाले किया जाएगा। नायब वजीर बराए इंसदाद मंशियात मौला अब्दुल हक हमकर का कहना था कि मुआशी और दीगर मसाइल के बावजूद हम अफगानिस्तान से इस बुराई के खात्मे और मंशियात के आदि अफराद को रोकने के लिए पोस्ट के खात्मे को तरजीह देते हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि दुनिया इस सिलसिले में हमारे साथ तआवुन करे। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज़ बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।